वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है, खुशामदीद है और मैं हूँ आपकी मौलिमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आज हम पढ़ेंगे मजमून उर्दू। आपकी जो किताब है ना, बाल भारती, वो किताब और जमात अव्वल में पढ़ते हो ना बच्चों, ना पहली जमात है ना आपकी। आपकी जो उर्दू किताब है आज हम वो पढ़ेंगे, सफा नंबर 2, 3, 4, 5। उस पर बच्चे का तारुफ, मेरा बदन, ये टॉपिक दिए गए हैं। तो आज हम यही सब पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों? और मैं हूं आपकी मौलिमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। चलिए शुरू करते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं हम बच्चे का तारुफ। प्यारे बच्चों, जब हम स्कूल आते हैं है ना, तो बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं, उस्ताद से मिलते हैं, लेकिन हम एक दूसरे का नाम नहीं जानते है ना। और जो भी बच्चा तुम्हारे पास बैठा है, तुम्हारे बाजू में बैठा, वो भी तुम्हारा नाम नहीं जानता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक दूसरे का नाम पूछना चाहिए, एक दूसरे का नाम जानना चाहिए। और जो हमारे उस्ताद है ना, चाहे वो सर हो या टीचर हो, उनका नाम भी तो हमें पूछना है ना, उनका नाम भी तो हमें जानना है ना। तो पहले दिन जब हम स्कूल में आते हैं तो यही सिलसिला शुरू होता है तारुफ करने का। तो उस्ताद पहले अपना नाम बताते हैं आप लोगों को, उसके बाद फिर बच्चों का नाम पूछा जाता है और उनकी पसंद नापसंद ये भी पूछा जाता है ना। तो हम अपना तारुफ देते हैं कि हमारा नाम ये है, हमें ये पसंद है, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, इस तरह से है ना प्यारे बच्चों। तो हम भी आज दो बच्चों का तारुफ हासिल करेंगे। दो बच्चे हमारे सामने हैं, चलिए। ये बच्चा हमारे सामने है, टीचर जो है उसको कुछ सवाल पूछ रही है। उस्ताद ने उस बच्चे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने क्या बताया? बच्चा बोला अनवर। उसका नाम क्या है? बच्चे का नाम अनवर। अ न व र अनवर, ठीक है ना मेरे बच्चों?
उस्ताद ने पूछा, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? टीचर ने क्या पूछा, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तो अनवर ने क्या जवाब दिया, मुझे खेलना अच्छा लगता है। अनवर ने क्या जवाब दिया, मुझे खेलना अच्छा लगता है। और आप सबको क्या पसंद है प्यारे बच्चों? आपको आप सभी को खेलना पसंद है ना? अच्छा, तो अनवर ने अपना नाम कैसे बताया? अनवर है ना। अनवर में कौन कौन से हरूफ है? आ, न, व, र, अनवर है ना, चार हरूफ है ना मेरे बच्चों। अब हम एक बच्चे का तारुफ और देखेंगे। ये बच्ची है आपके सामने, ये अपना तारुफ दे रही है। टीचर ने उसे सवाल पूछा, उस्ताद ने, तुम्हारा नाम क्या है? पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस बच्ची ने क्या जवाब दिया? शबनम। क्या जवाब दिया? शबनम। श ब न म, शबनम, श ब न म, शबनम। ठीक है ना मेरे बच्चों? उस्ताद ने फिर पूछा, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? शबनम को उस्ताद ने, टीचर ने कहा, पूछा, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तो शबनम ने क्या जवाब दिया? मुझे गाना अच्छा लगता है। शबनम ने क्या जवाब दिया? मुझे गाना अच्छा लगता है। तो प्यारे बच्चों, अब मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछती हूँ, आप अपना नाम बताओ। चलो जल्दी स्टार्ट करो, अपना नाम बताओ। वेरी गुड। अब जैसे मैंने अनवर का नाम लिया, अ न व र है ना, अपने नाम के रूप को मैंने, अनवर के नाम के रूप को मैंने अलग अलग करके बताया। तो आप भी अपने नाम के रूप को इसी तरह से अलग करके बताओ। जैसे शबनम, श ब न म, शबनम है ना। तो आप भी अपने नाम के रूप को इसी तरह से अलग करके बताओ। चलो जैसे इरफान, अ र प अ न, इरफान है ना। इसी तरह से आप भी अपने नाम के हरूफ को अलग करके बोलो और फिर एक साथ बोलो। वेरी गुड। तुम्हें क्या अच्छा लगता है प्यारे बच्चों? वेरी गुड, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे का तारुफ। आज क्लास में जितने भी बच्चे हैं सब आज अपना तारुफ करवाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जिससे भी मैं जो सवाल पूछूंगा उसकी जवाब देना है। तो सबसे पहले मैं इस लड़के से शुरू करता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? अनवर। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मुझे खेलना अच्छा लगता है। तुम्हारा नाम क्या है? शबनम। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मुझे गाना अच्छा लगता है। शाबाश बच्चों, तुम
उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिए और अपना तारुफ करवाया। अब मैं और बच्चों से इसी तरह से सवाल पूछूंगा और प्यारे बच्चों इसी तरह से आप मुझे जवाब देंगे। टीचर पूछ रही है कि तस्वीर देखो और तस्वीर में क्या क्या नजर आ रहा है बताओ। ये एक तस्वीर है आपके सामने और बहुत ही दिलचस्प तस्वीर है, देखकर ही बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। तो इस तस्वीर में क्या क्या नजर आ रहा है, क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है आपको? ये तस्वीर अच्छी लग रही है ना, तो हम पहले देखेंगे इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो हम नीचे से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये जो है वो पानी दिखाई दे रहा है ना, आप बताओ पानी के अंदर क्या है, क्या है ये? वेरी गुड, ये बतख है ना, वो तैर रही है। बतख भी है और उसके बच्चे भी है ना, डक। वो पानी में तैरती है और इसी तरह से वो लोग पानी के अंदर तैरते हैं, है ना। उसके बाद ये बच्चे, बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, है ना, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, सब खुश हैं और खेलने में उनको मजा आ रहा है, एकदम खुशी से उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, हंस रहे हैं, है ना। तुमको भी तो अच्छा लगता है ना। और ये नीचे क्या बैठी हुई है ये दोनों? कौन सा जानवर है ये? बिल्ली। वेरी गुड, बिल्ली जो है वो यहाँ बैठी हुई है। उसके बाद ये क्या है बच्चों? ये किस चीज की तस्वीर है? देखो जरा ध्यान से, क्या है ये, क्या दिखाई दे रहा है ये? इस तरह क्या होता है? वेरी गुड, शाबाश, फूल है ना, सारे फूल की तस्वीर है। वो सारे फूल है ना, सूरजमुखी के फूल है ना। और ये क्या दिखाई दे रहा है ये? हाँ, ये जो है वो क्या है? इतना बड़ा पेड़ है ना, पेड़। पेड़ में क्या क्या है देखो, ये तना है, ये जड़ है और फिर ये बहुत सारी पत्तियां हैं और इसमें ये क्या लगा हुआ है? ये फल। पेड़ में फल लगे होते हैं, जैसे आम का पेड़ है, नारियल का पेड़ है ना, उसमें फल लगते हैं जो हम खाते हैं, है ना प्यारे बच्चों। बेर है, फिर सेब है और अमरूद है, अनानास है, कटहल है ना, जामुन है। इस तरह से फलों के पेड़ होते हैं जिसे हम खाते हैं, है ना प्यारे बच्चों। और ये क्या है? ये धनक है ना, ये धनक है। कहाँ रहता है? ये आसमान में दिखाई देता है ना, जब बारिश होती है, कभी धूप में भी बारिश होती है, उस वक्त ये धनक हमको दिखाई देता है। और ये क्या है, क्या उड़ रही है ये? सो क्या कहते हैं हम? तितली। वेरी गुड, तितली उड़ रही है। तितली बागों में रहती है, बागों में उड़ती है ना। चारों तरफ हमको हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है, ठीक है। अभी हम इस तस्वीर को और अच्छी तरह जानेंगे, इन तस्वीरों में जो जो चीजें दिखाई दे रही है हम और अच्छी तरह से देखेंगे। ये देखो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, बतख है ना, बहुत सारी बतख है। क्या कर रही है लोग? पानी में तैर रहे। देखो किस तरह से तैरते हैं पानी में, आपको तैरना आता है पानी में? हाँ, अभी तो आप छोटे हो ना, बड़े हो जाओगे तो तैरना सीखना, जिसको भी सीखना है। तो इस तरह से बतख देखो पानी में इस तरह से तैरती है, खेलती है, कूदती है, अच्छा लग रहा है ना प्यारे बच्चों? ऐसा आपने देखा है कहीं, है ना? गांव के तालाब वगैरह में भी बतख रहती है, ऐसे तैरती है, है ना। कभी देखो तो ध्यान रखो कि तुम्हारी किताब में भी बतख की तस्वीर है। देखो कितनी सारी तितलियां उड़ रही हैं फूलों के आसपास, है ना, रंग बिरंगी तितली। उनके पर कैसे होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं, बहुत
बहुत रंगों के होते हैं, वो लोग चमकदार भी होते हैं उनके पर, बहुत खूबसूरत होती है तितली, रंग बिरंगी मुख्तलिफ रंगों की, और इसी तरह से उड़ती रहती है। कभी कभी हमारे घर में भी आती हैं तितलियाँ, अगर हम गार्डन में जाएं, बाग में जाएं, तो इसी तरह से फूलों के आसपास जो है वो तितलियाँ या फिर बाग में उड़ते हुए दिखाई देती है। देखिए और तुमने कभी कभी हाथ पे, हमारे हाथ पे बैठ जाती है ना, तितली की तरह उड़ के बताओ जरा कैसे उड़ती है। वेरी गुड, देखो ये आसमान में इतना बड़ा धनक है, सात रंगों वाला धनक, सात रंग होते हैं बच्चों। जब धूप में बारिश होती है ना, तो इसी तरह से धनक बन जाता है आसमान पर, और वो कुछ ही वक्त के लिए रहता है, फिर गायब हो जाता है, और उसमें बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं, खासकर सात रंग तो हम देख ही सकते हैं। हाँ, नारंगी है, पीला है, नीला है, लाल है, हरा है, ब्लू है, इस तरह से हमको उसमें रंग नजर आते हैं। और ये आसपास क्या है, बादल है ना, ये सब बादल है। बादल आपको पता है ना, आसमान में बादल नजर आते हैं, है ना, तो इस तरह से बादल नजर आ रहे हैं। नीचे देखो बच्चों, ये पानी दिख रहा है ना आपको, है ना, समुद्र का पानी है। फिर यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए देखो, ये चौपाटी का नजारा है ना, रेत वगैरह भी है ना, देखा हमने। कौन है, अरे खेल रही है, देखो देखो किस तरह से खेल रही है, ये बिल्ली है। हाँ, वेरी गुड, आप पहचाने, आपके आसपास, घर के आसपास बहुत सारी बिल्लियां दिखाई देती होंगी ना, और बिल्ली जो है पालतू जानवर है, तो हम उसको पालते भी हैं, और बहुत खूबसूरत होती है बिल्लियां इसी तरह से, और आवाज कैसी निकालती है मुझसे, म्याऊ म्याऊ, है ना, हमको देखती है, अगर हम उनकी आवाज की नकल करें तो फिर वो म्याऊ बोलती है हमारे साथ में। देखो इतनी प्यारी है, और अपने आप को हमेशा बिल्ली जो है साफ रखती है। हम तो इंसान है, तो हमें अपने पूरे बॉडी को साफ रखना है, हाथ को, मुंह को, पैर को, कपड़ों को, हर चीज, बाल, आंख, नाक, कान, सभी को हमको साफ रखना है ना। सफाई जो है वो आधा ईमान है, सफाई से बहुत सारी बीमारियां दूर रहती है हमसे। और प्यारे बच्चों, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे आसपास बहुत सारे जानवर, जैसे कुत्ता, बिल्ली, है ना, परिंदे, बहुत सारे परिंदे हमको दिखाई देते हैं, है ना, बैल है, गाय है, इस तरह से हमको दिखाई देते हैं, और ये पालतू जानवर भी हैं, और कुछ हमको रास्तों पर भी नजर आते हैं, हमको कहीं भी नजर आते हैं। तो हमारा फर्ज ये है, या एक बात आप ध्यान रखो, कि जानवरों को परेशान नहीं करना है, ना उनको सताना है, ना मारना है, समझ में आया बच्चों, बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, ये बात आप ध्यान रखो हमेशा। इतने सारे फूल हैं, पीले पीले, और किस तरह उनकी शक्ल है, सूरज की तरह है ना, सूरजमुखी का फूल है, और उन फूलों की जो उन फूलों का जो चेहरा है वो किसकी तरफ है, सूरज की तरफ होता है, इसलिए वो उनको सूरजमुखी कहते हैं। ये जब बढ़ते हैं तो सूरज की तरफ ही वो बढ़ते हैं, तो इसलिए उनका नाम सूरजमुखी है। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये फलों से भरा हुआ, फलों से लदा हुआ पेड़ है, दो दो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये देखिए संतरे या ऑरेंज, माल्टा, उसके उसका पेड़ है ना, बहुत सारे लगे हुए फल, देखो फलों का दरख्त, और ये सेब है, सेब का दरख्त है ना प्यारे बच्चों, सेब खाते हो ना, ऑरेंज, संतरे, मौसम्बी खाते हो या नहीं खाते हो, विटामिन सी होता है इसमें, खाना चाहिए, विटामिन सी हमारे जिस्म के लिए बहुत फायदेमंद है, समझ में आया बच्चों। और अभी जो बीमारी चल रही उसमें तो विटामिन सी रोजाना हमको लेना ही है, तो ऐसे फल खाया करो। और ये सेब है,
ना सेब जो है वो बहुत ज्यादा उसमें विटामिन होते हैं। अगर हम रोज एक सेब खाएं तो बीमारी हमसे दूर रहेगी, आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो सेब जो है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, कैल्शियम वगैरह बहुत ज्यादा होता है, तो सेब हमें खाना चाहिए। शाबाश प्यारे बच्चों, आपने बहुत सारे सवालों के जवाब सही दिए, इसलिए आपके लिए आप ही तालियां बजाओ। चलो जल्दी से तालियां बजाओ। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा है ना प्यारे बच्चों, तो इसीलिए मैं जो कह रही हूँ वो अभी करो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जो भी एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पे आएंगे आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस तरह से बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस तरह से थम का निशान है नीचे, उसको आप इस तरह से प्रेस कीजिए ताकि क्या करें, लाइक। प्यारे बच्चों जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी, किसी को भेजना है तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। और हम फिर प्यारे बच्चों वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको, तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा इस तरह से, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और आपको इसमें क्या दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म, गूगल लिंक यहाँ दी गई है, ये है फीडबैक की गूगल लिंक है, इसको आपको ओपन करना है। और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे, तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप ज़रूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मश्क कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी, तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों आपको क्या करना है, ये जो VTC का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको उसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन, नीचे थंब का इस तरह से निशान है उसको आप प्रेस कीजिए, तो वो वीडियो लाइक कीजिए। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो भी सीखा है उसे आप फिर से दोहराइए और प्रैक्टिस कीजिए, मश्क कीजिए, लिखने की भी कीजिए और उसका ऑडियो और वीडियो बनाकर अपने क्लास टीचर को जरूर भेजें। और जो भी होमवर्क दिया गया है आप उसे कंप्लीट कीजिए और चेक करने के लिए अपने क्लास टीचर को भेजिए। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।